वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। यार इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ कि मेरी जो थाईलैंड ट्रिप थी उसमें मेरा कितना खर्चा आया है और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो थाईलैंड में। तो इस वीडियो में मैं अपनी हॉस्टल की जानकारी, मैं कितने दिन थाईलैंड में रुका था, मेरा कितना खर्च हुआ, मैंने वीज़ा के लिए कितना पे किया, मेरा फ़्लाइट का खर्चा कितना था और बाकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप कैसे सस्ते में थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं तो ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट टिकट्स के। तो मैंने जो फ़्लाइट टिकट्स बुक की थी वो करीब मेरा पड़ा था 6,500 रुपये के आसपास। ज़्यादा चीप मुझे पड़ी थी क्योंकि मेरे पास गिफ्ट वाउचर पड़ा हुआ था उस एयरलाइंस का और मैंने उस गिफ्ट वाउचर को यूज़ किया। मैं फ़र्स्ट टाइम टिकट बुक कर रहा था, ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी थाईलैंड की, तो मैं फ़र्स्ट टाइम टिकट बुक कर रहा था तो उस पर मेरे को कैशबैक मिला और मेरे पास गिफ्ट वाउचर भी था, इसलिए मेरे को ये जो टिकट पड़ा था वो 6,500 का पड़ा था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे सस्ते में टिकट कहाँ से बुक कर सकते हो। तो यार देखो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सस्ते में बुक कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहला वेबसाइट है स्काई स्कैनर। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके देखो और आप वहां पे बिल्कुल सस्ते में फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि किस डेट पे आपके फ़्लाइट टिकट सस्ते हैं। तो पहला हो गया आपका स्काई स्कैनर। दूसरा मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जहाँ से मैं टिकट बुक करता हूँ वो है वीगो। वीगो एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में रखो और वीगो एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत ही सस्ते में फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। मेक माई ट्रिप वगैरह पे भी ऑफ़र चलता है, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आपका फ्लिपकार्ट है, गूगल फ्लाइट्स हैं, उन पे भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मल्टीपल वेबसाइट्स चेक करो और जिस पे सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा अच्छा फेयर आपको मिल रहा हो आप वहाँ से बुक कर दो। जो दो चीज़ें मैंने बोली है, रिकमेंड की है, वो वीगो और स्काई स्कैनर, इसको मत बोलना, इस पे ज़्यादा आप लोग ध्यान देना तो आप यहाँ से फ़्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। 6,500 रुपये की फ़्लाइट टिकट्स होगी। तो मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया, मेरी 7 तारीख को फ़्लाइट थी, मैं 8 तारीख को लैंड किया एयरपोर्ट पे। और जो मैंने यार ऑप्ट किया था थाईलैंड के लिए वो किया था वीज़ा ऑन अराइवल। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताता हूं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वहां पे क्या गलती की थी जो आपको गलतियां नहीं करनी है। तो पहले आप ये क्लिप देखो। ये जो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल देता है इंडियंस के लिए, और वीज़ा ऑन अराइवल्स की जो फ़ी है वो है करीब 2,000 baht, यानी कि करीब करीब 4,500 रुपये के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है जो आप लोग देख रहे हो वाली लाइन, ये वाली लाइन प्रायोरिटी लाइन कह के इनसे 200 baht एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। और मैं जब इनके काउंटर पे गया, इनसे बोला कि भाई 200 baht किस बात के एक्स्ट्रा, मुझे नॉर्मल लाइन में भेज दो, तो उन्होंने बोला कि आप 3 घंटे वेट करिए, 3 घंटे बाद लाइन खुलेगा। तुम भाई अड़ जाओ, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तुम्हारे सारे एवरेज जो सिंगल डिटेल है, तुम्हारी होटल बुकिंग, तुम्हारी रिटर्न फ्लाइट देकर सारी चीज़ें अगर हैं तो तुम भाई अड़ जाओ। सिंपल सी बात है कि भाई वो क्यों नहीं जाने देगा, तुम सारी चीज़ें दिखा दो और उसके बाद देखो तुमको जाने देगा। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि तुम्हारा आधे से एक घंटे वो लोग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। भाई जो आपने क्लिप देखी, एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ये गलती, अगर आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर से क्वेश्चंस ना करें, आप ये गलती ना करें जो मैंने गलती की थी थाईलैंड में जब मैं लैंड हुआ था तब। वीज़ा ऑन अराइवल्स की फ़ी होती है करीब 2,000 baht, यानी कि 4,500-4,500 रुपये के आसपास होता है वीज़ा ऑन अराइवल की जो फ़ीस होती है। लेकिन वो आपसे 200 baht एक्स्ट्रा मांगते हैं एक्सप्रेस। वहाँ पे दो लाइनें होती हैं, एक नॉर्मल लाइन होती है और एक फ़ास्ट लाइन होती है। तो वो क्या करते हैं ना, फ़ास्ट लाइन में लोगों को रिकमेंड करते हैं ताकि वो 200 बाट और एक्स्ट्रा ले सके लोगों से। तो वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फास्ट लाइन में भाई उनको निकलना होता है यार किसी तरह भी, तो 200 बाट वो एक्स्ट्रा दे करके आराम से निकल जाते हैं। तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था मैंने ये गलती की भाई कि मैंने उनसे बोला कि भाई 2,000 baht फीस है तो आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हो।
मेरे को सिर्फ 2000 baht देना है, मुझे 200 baht नहीं देना है। मैं क्वेश्चन वगैरह उनसे करने लग गया, उनसे आर्ग्यू करने लग गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ये सब मत करना। अगर आप पहली बार किसी कंट्री में जा रहे हो तो आप आराम से 200 baht एक्स्ट्रा दो और 5 से 10 मिनट में वो आपका वीज़ा स्टैम्प करके आपको दे देंगे। सिर्फ आपको वहाँ पे रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी है और अपनी होटल्स बुकिंग दिखानी है और कोविड का सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है। और बहुत ज़्यादा अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपका जो आपके पास कितना, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 10,000 baht या 20,000 baht उनको चाहिए होता है, कि इतना तो आपके पास पैसे होने चाहिए थाईलैंड में खर्चा करने के लिए। वो आप लोग वेबसाइट से आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये बहुत रेयर केस में पूछते हैं। अगर आप 200 बाट उनको दे देते हो तो तुरंत ही आपको वीज़ा लगा के दे देते हैं। मैंने उनको 200 बाट भाई नहीं दिया, मैंने सिर्फ 2000 बाट दिया। मेरे को टाइम भी लग गया था 2 घंटे के आसपास, तो 2000 बाट मैंने दिया और मैं वहाँ से निकल गया। तो ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि भाई ये भी हो सकता है कि आपको वो डिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री में हो, अगर आप वो, अगर वो आपको डिपोर्ट कर देंगे तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर वो कोई भी चार्जेस लगा के आपको अंदर कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप दूसरी कंट्री में हो तो क्वेश्चन ना करो कि मैंने गलती की वहाँ पे जो नहीं करनी चाहिए थी। तो आप लोग उस चीज़ को अवॉइड करना। बात करते हैं भाई साहब सिम कार्ड और हॉस्टल्स की। तो आप, मैं वहाँ से डायरेक्ट निकल गया था खावसान रोड पे। मैंने सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही ले लिया था, क्योंकि मुझे अपना हॉस्टल सर्च करना था, मुझे इंटरनेट यूज़ करना था हॉस्टल तक पहुँचने तक। तो आप वीडियो में देख लेना, मेरे को सिम कार्ड का नाम याद नहीं है, मैंने एयरपोर्ट से ही परचेस कर लिया था। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप 7 दिन का प्लान लेना चाहते हो या 14 दिन का प्लान लेना चाहते हो। तो आपका 300 baht या 250 baht या 500 baht के आसपास वो आपको सिम कार्ड दे देंगे और इंटरनेट आपका फर्स्ट क्लास चलता है यार, थाईलैंड में इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिम कार्ड ले लो। और गेट नंबर 7 से मैं एग्ज़िट हुआ था। तो वहाँ से क्या होता है कि आप अगर पटाया जाना चाहते हो तो आपको पटाया के लिए वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आपको खावसान रोड पे जाना है जहाँ की नाइट लाइफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आपको वहाँ के लिए भी बस मिल जाएगी। आप मेरे वीडियो में जा कर के देख सकते हो, मैं वहाँ से निकल गया हूँ बस के थ्रू ही। तो खावसान रोड पे आप जब जाओगे तो आपको चाहिए सबसे पहले होटल या हॉस्टल। अगर आप दो बहुत चीप में देखना चाहते हो, आपको सिर्फ फ्रेश होना है और बाकी ट्रैवल करना है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप हॉस्टल्स बुक करो ना कि होटल्स। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप होटल्स बुक कर सकते हो। तो हॉस्टल्स जो आपका पड़ेगा करीब 300 से 400 के बीच में आपका एक दिन का हॉस्टल्स का पैसा पड़ जाएगा। और हॉस्टल्स बुक करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा भाई, मैं ये जो वीडियो है किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा हॉस्टल्स बुक करने के लिए आप booking.com से आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हो। उस पर फ्री कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होता है और पे एट द प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो आप हॉस्टल्स बुक कर देना। मेरा जो हॉस्टल पड़ा था वो 320 rupees पर डे के हिसाब से पड़ा था, जिसमें कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। मैंने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड करवाया था। तो मैंने मेरा 320 rupees के आसपास वो हॉस्टल पड़ा था। कहते हैं भाई साहब कि हॉस्टल्स हो गया, सिम कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, और अब बात करते हैं कि भाई थाईलैंड में आप वहाँ पे हो तो कहाँ कहाँ घूमोगे। तो मैं जो गया था, मैं फ्रेश होकर के उसी दिन जब निकला था, फ्रेश होकर के मैं चला गया था दिन में MBK सेंटर। MBK सेंटर पे यार ज़रूर जाओ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीन हो। अगर आपको कोई इक्विपमेंट्स ख़रीदने हैं या आपको कोई गैजेट ख़रीदने हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप MBK सेंटर, वो एक मॉल है, MBK मॉल है, और वो एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तो आप वहाँ पे जा कर के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ख़रीद सकते हो। और बाकी आप डिटेल्स में यार दूसरी वीडियोज़ में देख लेना, मैंने भी दिखाया, आप उन वीडियोज़ में देख लेना। बाकी मैं शाम को चला गया था खावसान रोड। तो खावसान रोड को मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, मैंने देखा और मैंने प्रॉपर एक वीडियो उसकी बनाई है, तो आप वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं भाई साहब, जो मैंने दूसरी गलती की वो थी, चलो सबसे पहले आप क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके भैया, ये ले करके जा रहे हैं पुलिस वाले भाई साहब जो हैं। और यहाँ का रूल कुछ अलग है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अपने इंडिया के जैसा नहीं है कि आप वेट कर लोगे, आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर ही नहीं सकते भाई। रात के 10:30 के आसपास जो ट्रेन होती है ना, उसके जाने के बाद यहाँ से सबको निकलना होता है। अभी अभी जो आपने क्लिप देखी वो थी बैंकॉक
रेलवे स्टेशन की, यहाँ पे मैंने दूसरी गलती की जो कि किसी भी सिटीज़न को नहीं करना चाहिए जब वो एब्रॉड ट्रैवल कर रहा हो। इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो मेरे को पता नहीं थे, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था इसलिए मुझे पता नहीं थे। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि भाई ये गलतियाँ मत करना आप जब बाहर किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो गलती से भी मत करना नहीं तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मैंने बैंकॉक रेलवे स्टेशन से खॉनकेन के लिए ट्रेन ली थी, लेकिन ट्रेन क्या थी ना यार, अर्ली मॉर्निंग में थी, सुबह 7-7:30 बजे के आसपास ट्रेन थी वो मेरी, 7:30 या 8 बजे के आसपास। तो मैंने सोचा कि यार रेलवे स्टेशन पे स्टे कर जाएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन है और वहाँ पे जो मुझे आपने वीडियोस देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियोस आके देखना, तो उसमें जो लेकर के जा रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड थे ना कि पुलिस वाले थे। मुझे वो वर्दी जो होती है ना यार, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को पता नहीं था वो पुलिस वाले हैं कि सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहे थे। और मैं उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था कि मुझे वो उल्टा लग रहा था, वो एक ऐसी ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से यार माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं उसको उल्टा कैच कर लिया था। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई बाहर की कंट्रीज़ में आप जब जाओ तो उनके रूल्स और रेगुलेशन ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाओ कि वहाँ के क्या रूल्स हैं, वहाँ आप स्टे कर सकते हो बाहर में रेलवे स्टेशन पे नहीं। तो मैंने वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भाई स्टे करना चाहता था लेकिन वो मेरे को हॉस्टल में शिफ्ट करके आया। तो अगले दिन मैंने ट्रेन पकड़ी, फिर खॉनकेन पहुँचा, उसके बाद खॉनकेन में 2 से 3 दिन मैं अपने काउचसर्फर होस्ट के साथ रहा, उसके बाद मैं खॉनकेन से हिचहाइकिंग करते हुए लाओस बॉर्डर पे पहुँच गया जो कि नज़दीकी जो सिटी है लाओस की वो है वियतन सिटी। तो मैं वहाँ से जो नज़दीकी ब्रिज है लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज 3, उस ब्रिज पे पहुंच गया हिच हाइकिंग करते हुए। तो मेरा जो थाईलैंड का जो टोटल खर्चा हुआ ना 6,500 रुपये फ्लाइट, 2,000 baht यानी 4,500 रुपये आपका करीब करीब हो गया आपका वीज़ा फीस, और 500 baht आप सिम कार्ड के लगा लो, और आपका 2,000 से 3,000 रुपये आप खाने पीने का और हॉस्टल्स का लगा लो, 2,000 से 3,000 रुपये। अगर आप ज़्यादा दिन स्टे कर रहे हो तो 4,000-5,000 और लगा लो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हो वहाँ पे। अब भाई पैसा होगा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतना आपका बजट बढ़ता जाएगा। तो मेरा जो एस्टिमेट रहा है वो मेरा 14,000 रुपये में मैंने पूरा थाईलैंड भाई, जिसमें वीज़ा के पैसे, जिसमें फ़्लाइट्स के पैसे, जिसमें खाना रहना, सब मेरा 14,000 के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया। ये थी भाई थाईलैंड की टोटल जो कॉस्ट होती है वो मैंने इसमें कवर किया। बाकी और भी क्वेश्चंस आपको कोई क्वेश्चंस हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में कर दें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिख देना, मैं उसका आंसर्स आपको दे दूँगा। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा।